We are going to start the thermodynamics. बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, अगर एक बार समझ गए बड़ा आसान है। अभी से 20 से 15 मिनट नहीं, 15 ज़्यादा कम हो गया, 30 मिनट के बाद तुम कंफर्टेबल फील करोगे चैप्टर के साथ। जितना करवा रहा हूँ थ्योरी में सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, और NCERT एग्जाम्पल सॉल्व करने और कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं करना, बस थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है और NCERT के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं बस। ठीक है, बात खत्म। चलो थर्मोडायनेमिक्स से फटाफट फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना काम करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जो वर्क को हीट में और हीट को वर्क में, या थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का इस फॉर्म में कन्वर्ट होना, उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे जैसे हमने हीट दिया तो वर्क हुआ, हीट दिया तो वर्क दिया तो हीट वर्क वर्क किया तो हीट पैदा हुआ। तो एनर्जी का कन्वर्ट होना उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गया? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ाई जाती है? कुछ टर्म्स, कुछ नामकरण। अगर इन नामकरण को हम समझ गए बेटा मज़ा आ जाएगा, मज़ा। सबसे पहले समझना पड़ेगा, देखो बहुत बेसिक सी बात है। पहला टर्म आता है सिस्टम, क्या होता है? आप बोलो सर सिस्टम क्या होता है? जिसकी स्टडी करते, जिसकी स्टडी, जिसकी स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं सिस्टम, जिसकी स्टडी करते उसको क्या बोलते हैं? ये तो आपको पता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मैं हिंदी में लिखूंगा, आप इंग्लिश में लिखना। क्या लिखोगे? द क्या बोलोगे? द थिंग विच इज इन अंडर कंसिडरेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी, अंडर स्टडी। जिस चीज़ की भी हम स्टडी करें वो क्या होगा? सिस्टम। फिर आता है अगला सराउंडिंग, क्या आता है? सराउंडिंग। अगर आपसे बोलता है भाई सराउंडिंग क्या है, क्या बोलता है? सराउंडिंग। मैंने कहा देखो मैं ना चाय के कप की स्टडी कर रहा हूँ, चाय के, ये चाय का कप है, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, तो ये कहलाएगा मेरा सिस्टम। क्या कहलाएगा? सिस्टम। और इसके अलावा सब कुछ क्या होगा? सराउंडिंग। तो ये पूरा क्या हो गया? सराउंडिंग। क्या हो गया? सराउंडिंग। फिर अगला टर्म आता है यूनिवर्स, क्या आता है? यूनिवर्स। क्या होता है यूनिवर्स? तो कुछ नहीं करना बेटा, यूनिवर्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर दो तो आ जाएगा यूनिवर्स। क्या आ जाएगा? क्या बात समझ में आ गया? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। अगला अगला ध्यान से, जैसे हमने सिस्टम पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? सुनो सिस्टम, आपको सिस्टम किस किस प्रकार के दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। किसकी बात करेंगे? कोई बात नहीं करेगा, ध्यान दो, तुम्हें सबको आता है मुझे पता है, लेकिन सुनो सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 मार्क का आता है, 2 मार्क का, कि बताओ टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहले ऐसा आता है डिफाइन सिस्टम, डिफाइन एंड किस किस टाइप के सिस्टम होते हैं। तो जनरली आप बोलोगे देखो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और एक होगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। 3 प्रकार के सिस्टम जनरली आपको दिखाई देंगे। आप बोलोगे सर ओपन किसको बोलेंगे? जैसे एक चाय का कप है, चाय का कप ओपन है, चाय का कप किसको बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखो ओपन सिस्टम की डेफिनेशन सुन लो, ओपन कप, ओपन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कि वहां से मास भी निकले, क्या निकले? मटेरियल भी निकल सके और हीट भी निकल सकते, हीट भी, यानी मास भी अलाउड है और हीट भी अलाउड है। मास का एक्सचेंज अलाउड है और हीट का एक्सचेंज, ठीक है। जैसे अगर चाय का कप है तो भाप बन के ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा ना, भाप बन के दूध भी ऊपर जाएगा और हीट भी, ठंडा भी होगा वो, तो हीट भी चेंज हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है, तो ओपन सिस्टम। फिर अगला क्या था? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? आपने क्लोज कर दिया, आपने क्लोज कर दिया, अब क्या होगा? सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, अब भाप बन के ऊपर नहीं जा सकता, तो यहां पर मास का एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल। आइसोलेटेड में ना मास चेंज होगा ना हीट चेंज होगा, आइसोलेशन। याद करो कोरोना वायरस जब आया था कोविड में, तो बोलते थे खुद को आइसोलेट करो, खुद को किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है, बिल्कुल एकदम आइसोलेट हो गए, पैक हो गए, तो आइसोलेटेड है ना। आप इसको थर्मोफ्लास्क जानते हो? थर्मोफ्लास्क जिसके अंदर चाय रखते हैं, चाय, और सर्दी में 5-6 घंटे गर्म रहता है, तो वो एक एग्जांपल हो सकता है किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। तो फटाफट एक माइंड मैप बनाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, और कितने तरह के सिस्टम होते हैं? 3 तरह के। डेफिनेशन आया क्या लिखोगे? कि भाई जिस सिस्टम के अंदर मास का चेंज अलाउड हो, एनर्जी का चेंज यानी हीट का चेंज अलाउड हो, वो ओपन सिस्टम। जिसके अंदर सिर्फ हीट अलाउड हो, मास अलाउड ना हो, क्लोज सिस्टम। और जिसके अंदर दोनों ही अलाउड ना हो, उसको आइसोलेटेड सिस्टम। अगला टर्म आता है हमारे पास छोटा सा, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाउंड्री। क्या? बाउंड्री। अब बाउंड्री किसको बोलते हैं बेटा? बाउंड्री वो चीज़ है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को। जैसे मैंने बोला देखो अगर ये चाय का कप है, तो चाय के कप को ये जो लाइन है, लाइन, ये लाइन तो सेपरेट कर रहा है ना सराउंडिंग से, ये हवा है, इस हवा से कौन सेपरेट कर रहा है? ये, इसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री 2 प्रकार के होते हैं जनरली, एक रियल बाउंड्री, दूसरा इमेजिनरी बाउंड्री। देखो ये वाला जो बाउंड्री है रियल है, क्या है?
लेकिन देखो ऊपर से ढका हुआ नहीं है, कप ढका हुआ नहीं है, फिर भी हमें पता है कि यहाँ तक चाय है और ऊपर क्या है, हवा। तो हम बोलेंगे इसको इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बोलेंगे? तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बाउंड्री, रियल बाउंड्री एंड रियल बाउंड्री वो होता है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, छू के फील कर सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री वो है जिसको आंखों से देख नहीं सकते और फील नहीं कर सकते। जैसे नदी और हवा के बीच में एक बाउंड्री होता है, पता है ना, नदी बह रही है उसके बीच में एक बाउंड्री है जो हमने खुद बनाया मन के अंदर, क्या चाहिए रहा, नदी यहाँ पर खत्म होती है। बात समझ में आ गया? तो फटाफट बाउंड्री के लिए लिखो, टू टाइप्स ऑफ बाउंड्री, फटाफट इसको आगे बढ़ेंगे फिर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान दो, प्यारे बच्चों सुनो, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं लिख दे रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये आएगा। क्या बोला मैंने? स्टेट फंक्शन। क्या बोला? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, समझना इसको। दूसरा है हमारे पास पाथ फंक्शन। क्या नाम है? पाथ फंक्शन। अब तुम बोलोगे सर क्या होता है? देखो, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो पाथ पर डिपेंड करे, जैसे मैंने बोला वर्क। क्या बोला मैंने? वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। कैसे? कोई बंदा इतना चलेगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई वैसे जाएगा, है ना। तो हर बंदा अलग अलग हिसाब से वर्क करता है। कोई पहाड़ पे चल रहा है, कोई एकदम जमीन समतल जमीन पे चल रहा है, तो उसका वर्क कैसा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। पहाड़ पे बहुत वर्क करना पड़ेगा लेकिन वैसे वर्क कम करना पड़ेगा। तो वर्क, वर्क और हीट ध्यान रखना, वर्क और हीट जो पांच फंक्शन होते हैं, और इसके अलावा जो भी मिल जाए आपको जनरली क्या होंगे वो? स्टेट फंक्शन। बात समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके अलावा जो भी बचेंगे क्या बोलेंगे हम उसको? स्टेट फंक्शन। तो वर्क, वर्क एंड हीट हो गए हमारे पांच फंक्शन। बाकी जो मिल जाए आपको आगे फ्यूचर में मिलेगा आपको इंटरनल एनर्जी। क्या मिलेगा? इंटरनल एनर्जी। बाकी जो भी चीजें दिखाई दे आपको, ठीक है ना, वो सारे क्या होंगे? स्टेट फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लिख लोगे द, ठीक है ना, क्या लिखोगे इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी विच, वैल्यू अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन व्हाट, पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। फटाफट अपने मन में डेफिनेशन बनाओ, आगे बढ़ो इस चैप्टर को, अभी कभी प्रिपेयर करो, ये मत सोचो कल करना है परसों करना है। बेटा अगला देखो, अगला, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, कसम से बोल रहा हूं, कसम की कसम है, कसम से, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। अरे सुनो 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 सुनो, चुप हो जाओ, सुनो। अगला है टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस है हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पहला, पहला है हमारे पास आइसोथर्मल। क्या है ये? तो रट गया होगा तुम्हें। आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर हमेशा सेम। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें भाई टाइम बीत रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो मर्जी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे ऐसी वाली बात हो गई कि मेरे कोई बंदा चार पांच चाटे दे रहा है धैं, और मेरा, मेरे गाल का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर सेम है, मेरे को उठा के डाल दिया कहीं पर, जा भाई कैद खाने में डाल दिया, सर्दी में डाल दिया, बर्फ में फेंक दिया, पर टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होने वाला है? जीरो। चेंज इन टेम्परेचर क्या होने वाला है? जीरो। अगर कभी भी टेम्परेचर चेंज ना हो तो ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। डेल्टा यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो वन मार्क में क्वेश्चन, ओए बात नहीं, बात नहीं, बेटा शादी नहीं होगी जो बात करेगा, ठीक है, ध्यान रखना सुनो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सोच, अगर टेम्परेचर चेंज ना हो कहीं पर तो एनर्जी कैसे चेंज हो सकता है, एनर्जी कैसे? तो आइसोथर्मल की बात समझ में आ गई। अगला देखो, अगला है हमारे पास आइसोबारिक। चलो आइसोकोरिक पहले करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आप सुनो ध्यान से, तुम बात क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या दिमाग से? बेटा आप सुन लिया ना बात करते, बाहर फेंक दूंगा, दिमाग खराब कर रखा है। सुनो बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में क्या होता है? देखो सी फॉर ऐसे याद कर लो, कोर, क्या याद कर लो? कोर। कोर मतलब बिल्कुल अंदर, बोलते हैं ना कि इन द कोर, अर्थ के कोर में, अर्थ के कोर में, कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, यानी अंदर की बात चल रही है, वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कुल मिला के देखो किसी ने क्या किया, हम कुछ भी कर रहे, मान लो कोई मेरे को ऐसे दबा रहा है, फिर भी मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज
क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान देना छोटी सी बात। सोचो अगर मैंने बोला वर्क कब होता है, वर्क ध्यान दो, वर्क कब होता है, वर्क तब होता है जब कहीं पर क्या हो, वॉल्यूम चेंज हो। जैसे मैंने बोला देख, वर्क कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, कोई मेरे को ऐसे दबा रहा है और मैं डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा हूँ, तो वर्क कैसे होगा? किसी ने दबाया मेरा, ये दबा ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई वर्क। जैसे दीवार को धक्का देने में वर्क नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क भी क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलो अगला प्रोसेस पढ़ते हैं, अगला प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है, देखो आइसोबारिक में प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर इज सेम, चेंज इन प्रेशर इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब आप चीजों को उबालते हो, घर में उबालते हो, तो जो बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है, बॉइलिंग, तो बाहर प्रेशर कितना होता है, 1 atm, कितना होता है। मैंने एक कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर, उसको उबाल रहा हूँ, उसको उसमें पानी डाल के उसको उबाल रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, क्या हुआ, अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला कि एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, मैं इसको हीट से उबाल रहा, हीट देके उबाल रहा हूँ, तो उबालते वक्त प्रेशर क्या रहता है, 1 atm, बाहर एटमॉस्फेयर होता है ना सिर्फ, तो इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर चेंज ना हो, उसका बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। अगला है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम एडियाबेटिक। क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या बोल रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है सुनो, अरे ध्यान दो, एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हीट सेम रहता है, यानी चेंज इन हीट जीरो होता है, या एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होता है, तुम जो मर्जी कर लो, तुम वहां पर जो मर्जी कर लो, लेकिन हीट का चेंज जीरो होगा, हीट का चेंज, ना वह हीट लेगा ना वह हीट देगा। अगर मैं सिस्टम हूँ तो ना मैं हीट लूंगा अपने अंदर, ना हीट मैं दूंगा, हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बात समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। बेटा बस एक बार इस पे नज़र डालो, नज़र आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, देखो ये ध्यान रखना, यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखो इस व्हाइट वाले ग्राफ को, वॉल्यूम फिक्स है, सीधी लाइन है, कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर सीधी लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है ना। इन दोनों में नीचे वाला होता है एडियाबेटिक और ये वाला क्या होता है, आइसोथर्मल। बस याद कर लो, फिजिक्स का है, मैंने केमिस्ट्री में हल्का सा ऐड किया, आ भी सकता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं अगला प्रोसेस, देखो चार प्रोसेस पढ़ लिए, चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ लिए हमने, ठीक है। चारों पढ़ने के बाद अगला कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आती है कि भाई साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ध्यान दो, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अगला आता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दो, बात नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला आता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा इनके ऊपर से डेफिनेशन आ सकता है, देखो ये तो किस्मत की बात है, ठीक है, सुनो, पर चांस है कि 1 marks में मिल जाए आपको या डेफिनेशन वाइज में। सुनो, अब साइक्लिक किसको बोलते हैं, साइक्लिक ऐसा प्रोसेस, देखो मैंने बोला मैंने ए से स्टार्ट किया, मैं घूमने गया और दोबारा ए पर आ गया, तो ये कहलाता है साइक्लिक, क्या कहलाता है, मैंने बोला यहाँ पर एनर्जी थी 10 joule, ठीक है, अब मैं घूम के दोबारा आ गया, दोबारा 10 पे ही आ गया, तो कितना चेंज हुआ, चेंज बताओ, 10 - 10 जीरो, कोई चेंज ही नहीं हुआ, दोबारा वहीं पर आ गया ना मैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, और साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन हीट भी जीरो होता है, चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो होता है। एच का मतलब होता है इंथैल्पी, जो आप फ्यूचर में समझोगे। क्या बात समझ में आ गई सबको, चेंज इन इंथैल्पी जीरो होता है। नॉन साइक्लिक क्या है, कि हम ए से गए बी पर, ठीक है भाई, लौटे नहीं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेज पे वापस लौटते हैं साइक्लिक, जिसमें नहीं लौटते हैं नॉन साइक्लिक। अगला है हमारा रिवर्सिबल, ऐसा प्रोसेस जिसको रिवर्स कर सके, रिवर्स उसको बोलेंगे रिवर्सिबल, क्या बोलेंगे, और जिसको रिवर्स ना कर सके नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। जैसे तुम्हारी उम्र का बढ़ना, क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं, तो इरिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल कौन से हो सकते हैं, जो अपने आप रिवर्स हो सके, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो, मैं तो बता रहा हूँ वैसे जनरल तरीके से, जनरल भाषा में, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो अपने आप क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। जैसे बर्फ़ पिघल गया, बर्फ़
तो अपने आप नहीं जमेगा, फ्रिज में डालोगे तभी जमेगा, है ना। या फिर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, क्लाइमेट चेंज करोगे, पहाड़ी इलाके पे जाके रख दिया तो जम जाए। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, दुनिया में सारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, कैसे होते हैं? नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। तो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होते हैं बताए आपको? इरिवर्सिबल। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। तो नेचुरल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पॉन्टेनियस। नेचुरल को ही क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। वो नॉन कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकते। क्या बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नोट कर लो इसे। साइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक में एनर्जी का चेंज जीरो नहीं होता, जहां गए वहीं आ गए। मेरे पास 10 जूल एनर्जी था, मैंने खूब भाग दौड़ किया, फिर भी मेरे पास 10 जूल ही है। क्यों? मैंने तुरंत खा लिया, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो ध्यान रखना, साइक्लिक में एंथैल्पी का चेंज, एनर्जी का चेंज क्या होता है? जीरो। फटाफट नोट करो मेरे दोस्तों। अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जिसका नाम पता है क्या? जिसका नाम है हीट। क्या नाम है? हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। बेटा ये ऐसे टॉपिक है जो आग लगा देंगे, याद रखना। इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है, ठीक है? जो बोलूंगा उसको रट्टा मारना बस। देखो हीट का मतलब क्या है? हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये खत्म। हीट का सिंबल क्यू होता है। क्या होता है? क्यू इज द सिंबल ऑफ हीट। आगे वर्क क्या होता है? वर्क बेटा आपको पता है वर्क क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं? तो वर्क क्या है? वर्क एक एनर्जी है। क्या है? बात समझ में आ गया? वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं बताओ? कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू, तो वर्क को हमने डिफाइन किया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे प्रेशर के टर्म में, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम आता है। क्या आता है? प्रेशर इनटू चेंज इन। वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर के टर्म में, फोर्स के टर्म में ये होता है, प्रेशर के टर्म में ये होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन। अच्छा वर्क का एक और फॉर्मूला याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर। जब भी कांस्टेंट प्रेशर हो तो पी एक्सटर्नल, वी फाइनल माइनस, वी इनिशियल, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में ध्यान रखना पी, ये वर्क का फॉर्मूला है। क्या ये? जहाँ पर ये कौन सा कैसा प्रेशर है? कांस्टेंट प्रेशर। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। देखो यही लिखा है मैंने, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी आप कर सकते हो इसलिए, ठीक है। अगला देखो, अगला है इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी? तो ये होता क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना, किसी बॉडी किसी सिस्टम के अंदर कितने प्रकार की एनर्जी हो सकती है? बहुत प्रकार की। कैसे? काइनेटिक, पोटेंशियल और न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, एटॉम के लेवल की एनर्जी, सारी एनर्जी जितनी भी पॉसिबल है, ठीक है ना, जितनी भी एनर्जी पॉसिबल है डिस्ट्रॉय करने में, जो भी एनर्जी लग रही है, मतलब कुल मिला के एक सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी प्रकार की एनर्जी है, उन सभी का सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल होता है अंदर की एनर्जी। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा अब हमने ना एक ऐसी चीज़ बनाई जो इन तीनों को रिलेट करता है, जो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस डेफिनेशन को लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बेटा सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एनर्जी क्या रहता है? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बेटा बात नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा कुछ और, ध्यान रखियो बात किया तो। ध्यान दो। सुनो, फ्लॉट की बात कर रहा था मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें ना याद रखना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हीट प्लस वर्क। क्यों? क्या होता है हीट? ध्यान रखो, प्लस वर्क, ये इसका फॉर्मूला है जो एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर कुछ बातें याद रखना, साइन कन्वेंशन ना केमिस्ट्री की थोड़ी सी ध्यान रखना। हीट अगर रिलीज हो, हीट क्या हो? रिलीज, मतलब हीट निकले तो नेगेटिव, आपको पता है केमिस्ट्री में यही होता है। हीट अगर एब्जॉर्ब्ड हुआ, क्या हुआ? हीट अगर एब्जॉर्ब्ड हुआ तो आप बोलोगे पॉजिटिव। क्या बोलोगे? पॉजिटिव। अच्छा दूसरा क्या? तीसरा, वर्क डन ऑन सिस्टम के ऊपर वर्क किया हमने, पॉजिटिव। अरे यार बड़ा सिंपल है, हीट निकला, सुनो, हीट निकला घाटा लगा, नेगेटिव।
हीट एब्जॉर्ब, क्या फायदा हुआ? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, सिस्टम खुश है, अरे वाह मेरे ऊपर काम हुआ है, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय सिस्टम लिख रहा हूं मैं, वर्क डन बाय सिस्टम, क्या लिख रहा हूं? बाय सिस्टम। ये क्या आ गया हमारा? नेगेटिव। अरे सोचो ना, सिस्टम ने वर्क किया, अरे यार थक गया यार वो, अरे नहीं हुआ क्या? बड़ा आसान है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप इजीली कर लेना साइन कन्वेंशन लगा के, ठीक है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है हमारा। अब हम आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से दिस क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ध्यान रखना, छोटी सी बात बता रहा हूं, देखो यहां पर साइन आता है प्लस माइनस, जब भी एक्सपेंशन हो तो यहां पर नेगेटिव साइन लगाना, ठीक है? नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? और जब बोले हो कंप्रेशन, क्या बोले? तो यहां पॉजिटिव लगा देना, ठीक है ना? पॉजिटिव प्लस। तो मैंने यहां पर पता क्या लिखा है, देखो मैंने यहां पर लिखा है सिर्फ वैल्यू, क्या लिखा है मैंने? सिर्फ साइन आप खुद लगाना, ठीक है? अभी क्या है, वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, सुनो देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना बड़ा स्लो होता है, क्या होता है? तो स्लो प्रोसेस में हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा जब भी छोटे छोटे डीएक्स डीएक्स डीएक्स, तो इंटीग्रेशन करते हैं छोटे छोटे के लिए, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। जब छोटा छोटा हो ना, छोटे छोटा छोटे छोटे काम हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करके वर्क का फॉर्मूला निकलता है जो 11th क्लास के फिजिक्स में डेरिवेशन आ सकता था, लेकिन केमिस्ट्री में बस बहुत रेयर है कि आएगा, नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? ब्रीफ करो, इसको याद रखो, बस बस फॉर्मूला आएगा, V2 पुट कर देना, V1 पुट कर देना। अच्छा यहाँ पर देखो V2 है तो यहाँ पर P1 है, देखो क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली होता है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम, या ऐसा होता है ना, देखो P ऊपर है तो वॉल्यूम नीचे होता है, तो हमने बोला जहाँ पर 2 है वहाँ 1 आएगा, जहाँ 1 है वहाँ पर 2 आएगा। ये कुछ नहीं है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स, ये गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वर्क निकल जाएगा। तो वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेरे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, सुनो, जब एक्सपेंशन होगा ना, एक्सपेंशन का मतलब है सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम का घाटा हो रहा है, अगर सिस्टम का घाटा हो रहा है तो नेगेटिव क्या जाएगा? नेगेटिव। अगर उसने बोला है क्वेश्चन में कंप्रेशन है, क्या है? तो वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन मतलब सिस्टम का फायदा हुआ, सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, तो प्लस लगा देना। तो कंप्रेशन में पॉजिटिव यूज करना है, एक्सपेंशन में नेगेटिव यूज करना है, क्या बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, सुनो टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बात नहीं यार प्लीज, फ्री एक्सपेंशन। क्या नाम है बेटा? ये पहली बार सुन रहे हो, देख लो। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि भाई एक्सपेंशन इन वैक्यूम, कहाँ पर? वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, तो एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, क्या बोला मैंने? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन वैक्यूम लिख दो बस, इन वैक्यूम। देखो आपको पता है फ्री स्पेस इसे बोलते हैं, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, क्या होता है? जब भी कोई चीज वैक्यूम में एक्सपेंड करेगी तो उसको बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ, जब कोई एक्सपेंड करेगा तो वैक्यूम में कोई रोकेगा उसको? नहीं, वैक्यूम में खालीपन है तो कोई वर्क होगा क्या? जब वो फैल रहा होगा तो कोई रोकेगा ही नहीं एक प्रकार से ना, या ऐसा बोल सकते हो? सुनो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? पीछे पढ़ा पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यही तो पढ़ा आपने, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन। और वैक्यूम में प्रेशर तो होता ही नहीं है बाहर, तो वर्क डन कितना आ गया? जीरो। ध्यान रखना फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है? ये छोटी सी बात ध्यान रखना प्लीज, ठीक है? इसे लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। सुनो आएगा ही आएगा, सुनो ये आया भी होगा बहुत लोगों के एग्जाम में, ठीक है? लिखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा विच डिपेंड्स अपॉन मास साइज प्रेजेंट इन सिस्टम, सिस्टम के मास साइज पे डिपेंड करे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स ये रहे, आपको रटना मारना जो मर्जी करना है, लेकिन देख के जाना एक बार, अभी बताऊंगा इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है? दूसरा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है जो ये लिखा है विच डिपेंड्स, यहाँ पर आएगा विच डू नॉट डिपेंड्स, क्या आएगा? विच डू नॉट डिपेंड्स, डू नॉट डिपेंड्स, जो डिपेंड ना करे किस पे? साइज एंड शेप पे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर की बात करते, देखो टेम्परेचर एग्जाम्पल बेस्ट होता है, टेम्परेचर देखो, अभी इस कमरे का टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, मैं कमरे के 40 टुकड़े कर दो तब भी टेम्परेचर कितना रहेगा? सेम रहेगा। अब समझ पा रहे मेरी बात को? यानी कि साइज छोटा करने से सिस्टम का साइज छोटा करने पे, मास छोटा करने पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप।
ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज एंड शेप पर डिपेंड ना करे वो होता है इंटेंसिव, और जो डिपेंड करे वो क्या होता है, जैसे मास, मास तो डिपेंड करेगा ही ना, तो आधा कर दे आधा आधा किलो हो गया, वॉल्यूम भी आधा हो जाता है, ठीक है ना। इंथैल्पी, इंथैल्पी यानी कि हीट, क्या है एक तरह से ये, वो भी चेंज होगा, हीट कैपेसिटी भी चेंज होगा, एंट्रोपी भी, मोल भी, गिब्स भी, मोल तो अमाउंट होता है ना अमाउंट, तो ये सारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं किसके साथ, साइज के साथ, मास के साथ, तो ये सारे एक्सटेंसिव क्या है, ये चेंज नहीं होते, इनको क्या बोलते हैं हम, आपने सुना होगा इतना पानी लो या इतना पानी लो डेंसिटी सेम रहेगा, एक चुल्लू भर पानी लो या पूरा भर के पानी लो डेंसिटी क्या रहता है, सेम, तो डेंसिटी सेम। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो एक किलो पानी लो या सौ किलो पानी लो, बॉइल तो वो सौ डिग्री पर ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कभी भी चेंज नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट है ये, बॉइलिंग पॉइंट एंड ये मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ हमेशा पिघलती है जीरो डिग्री सेल्सियस से, ये नहीं कि मैंने मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो ना, जीरो डिग्री पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है, बात समझ पा रहे हो, जीरो डिग्री पे रखोगे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक क्या है, ट्रिक कि अगर किसी के आगे मोलर लग जाए, क्या लग जाए, या स्पेसिफिक लग जाए, तो वो क्या होगा, इंटेंसिव, या ऊपर भी एक्सटेंसिव हो नीचे भी एक्सटेंसिव हो तो आंसर क्या आएगा, इंटेंसिव। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लग जाए, क्या लग जाए, मोलर या फिर स्पेसिफिक। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, मोलर लिखा है, मोलर तो ये इंटेंसिव में आ गया, और स्पेसिफिक अभी लिखा नहीं है, वैसे स्पेसिफिक लग जाए तो ध्यान रखना। जैसे स्पेसिफिक हीट बोल दूँ मैं, क्या बोल दूँ, स्पेसिफिक हीट बोल दिया मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या है, ये डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी देखो, डेंसिटी होता है मास, क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर भी मास नीचे वॉल्यूम, तो देखो ऊपर एक्सटेंसिव है, ऊपर एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव। तो ध्यान रखना, रट्टा मार लेना प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो प्यारे बच्चों ध्यान दो, बात नहीं प्लीज, अगला जो टॉपिक है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, ट्रिक पता लग गया, और कुछ तो याद करना ही पड़ता है, ठीक है ना। लास्ट टाइम में मैं क्या जादू कर दूंगा अभी आपके लिए, पर जितना पॉसिबल उतना कर रहे। सुनो अब छोटी सी बात याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल यहीं से आएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल सिर्फ इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना, ये इतिहास गवाह है कि इसी के ऊपर जनरली न्यूमेरिकल आता है। वो क्या है, इंथैल्पी, क्या नाम है उसका, इंथैल्पी। आप बोलोगे सर इंथैल्पी होता क्या है, तो नेट हीट कंटेंट इन द सिस्टम, इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितना हीट है, सिस्टम के अंदर कितना हीट है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, इंथैल्पी। इसके लिए सिंबल होता है एच, क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला आता आता है यू प्लस पी इंटू वी। देखो एनर्जी है ये, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये भी एनर्जी है, क्या ये, इसे बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी। डिफाइन दो तरीके से कर सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, और दूसरा क्या है, नेट हीट कंटेंट इन सिस्टम, कितना हीट है सिस्टम के अंदर, वो होता है हमारा इंथैल्पी। अब ध्यान देना छोटी छोटी बातें, ये कैसा है, एक्सटेंसिव, कैसा है ये, पीछे आपने पढ़ा ना एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब छोटी सी बात और, हमें ना हम कभी भी इंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं चेंज, क्या करते हैं, मतलब ये तो बस फॉर्मूला है इसका, पर हम जो यूज़ करते हैं इलेवंथ क्लास में ये यूज़ करते हैं, देखो डेल्टा एच, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा यू, यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी वी, डेल्टा पी वी, क्या बात समझ में आ गया। अच्छा आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं मिलेंगे, एक ये फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान रखना पी वी इक्वल टू ना एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, तो डेल्टा पी वी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एच की जगह पर डेल्टा एच, डेल्टा यू की जगह पर डेल्टा यू, यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा एन आर टी। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ये डेल्टा एन किसके लिए होता है, गैस के लिए, किसके लिए होता है, तो फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी, ध्यान रखना डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, ध्यान देना, डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और गैस, ठीक है ना, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा क्या इसका मतलब, एक क्वेश्चन से बताऊंगा, रिएक्टेंट गैस, ठीक है। अब डेल्टा एच ये फॉर्मूला बन गया, कई बार इसको ऐसा भी बोलते हैं, देखो डेल्टा एच को बोलते हैं हम क्यू पी, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्या बोलते हैं, हीट एट, डेल्टा यू को कई बार बोलते हैं हम हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कॉन्स्टेंट, और फिर फॉर्मूला हो गया डेल्टा एन जी आर टी। क्या बात समझ में आ गया, क्या छोटी सी बात समझ में आ गया, इसको मेन फॉर्मूला ये है। अगर मैं आपसे बोलूँ इस पूरे टॉपिक में याद क्या रखना, ये वाला फॉर्मूला,
ठीक है, डेल्टा एनजी निकालना सिखाता हूं मैं। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है? टेम्परेचर। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट, उसी हीट इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंथैल्पी। इसको क्यूपी भी बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है ये? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। इसको बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? और ये क्या हो गया पता बताया अभी बताऊंगा मैं। ये आर है, ये टी है। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। टी होता है टेम्परेचर। फटाफट एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, मैंने बोला एन टू थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री। मैंने कहा डेल्टा एन जी बताओ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला सर ने क्या बताया? प्रोडक्ट का गैस माइनस रिएक्टेंट का गैस। प्रोडक्ट में कितने गैस है? दो मोल, दो। यहाँ कितने मोल है? तीन और एक चार। यहाँ पर एक है ना बगल में, तो दो माइनस चार गया माइनस दो, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? माइनस। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता, सुनो, मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता यहाँ पर ए सॉलिड, थ्री बी सॉलिड, फोर सी गैस गिव्स, सेवन डी गैस। मैं बोलूँ डेल्टा एन जी निकालो, डेल्टा एन जी। तो ध्यान रखना डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस। प्रोडक्ट गैस मतलब इसका फॉर्मूला समझ में आ गया? मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो सेवन, ठीक है ना, सेवन माइनस यहाँ वन थ्री, नहीं इनको तो छोड़ दो, सॉलिड वालों को छोड़ना, सिर्फ गैस को लेना। कैसे लेना? गैस को। फोर्थ आंसर आ गया थ्री। इस प्रकार से डेल्टा एन जी हम इजिली निकाल लेंगे और कोई भी क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको रट लो, बस सुनो, इसको रट लो। पीछे आपने पढ़ लिया रिलेशन, ये पढ़ना डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी निकालना सीख लिया आपने। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में डेल्टा एन जी जीरो आ जाए या आपको लिख के दे, तो यहाँ डेल्टा एन जी जीरो पुट कर दोगे ना, तो दोनों बराबर आ गए, आगे बराबर। तो क्वेश्चन आएगा किस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होता है? चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब डेल्टा एन जी क्या हो? जीरो। अच्छा दूसरा क्या है देखो, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने का मतलब क्या है? यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला जो आंसर आएगा कम आएगा, क्या आएगा? यानी डेल्टा एच कम जाएगा, डेल्टा एच। अगर वो बोलता है डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर बढ़ जाएगा ना, आंसर बढ़ जाएगा, डेल्टा एच भी क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज नोट इट डाउन मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनो। हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये पता क्या होता है? ठीक है, टी है, टी सुनो, इसकी डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन ये पता क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन यूनिट टेम्परेचर, वन यूनिट। देखो सुनो ध्यान से, ये लिखा हुआ तो बहुत जगह मिल जाएगा, सुनो। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एक डिग्री से या एक केल्विन से चेंज करने में जो हीट लगेगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला मेरा टेम्परेचर अभी 25, कितना है? 25। मुझे किसी ने हीट दिया दें, और टेम्परेचर मेरा बढ़ गया 26, कितना बढ़ गया? एक बढ़ा, तो जितनी हीट मैंने ली थी वही है मेरा हीट कैपेसिटी। क्या है? यानी मेरा, समझ में आ गया? तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय वन यूनिट टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सिंबल क्या होता है इसका? सी लिख सकते हो। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है हीट कैपेसिटी। क्या होता है? अच्छा सुनो, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? सी वी बन जाता है। तो हीट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कितने वॉल्यूम पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वी लगा देंगे। अच्छा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक से लिख लेना आप। देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसी फॉर्मूले को हम सीपी लिख देंगे, और ये बन जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू। पता होना चाहिए हीट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू। यहाँ पर पी क्या जाएगा? यहाँ पर पी। तो यहाँ से याद क्या करना है? यहाँ से ये याद करना होता है सी पी माइनस सी वी,
जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो वो आर के बराबर आता है, आर होता है गैस कांस्टेंट, ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आर के बराबर होगा, आर क्या होता है गैस कांस्टेंट। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन डेफिनेशन और डिफरेंस में, सुनो। एक होता है हीट कैपेसिटी, होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, पीछे देखा इसका डेफिनेशन क्या था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट पर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर रिक्वायर वर्ड है रिक्वायर, ठीक है ध्यान रखना, पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, कितना हीट चाहिए ताकि टेम्परेचर किससे चेंज हो। तो हमने देखो यहाँ पर एक के लिए पूरे टेम्परेचर से डिवाइड किया, पूरे टेम्परेचर से। अब स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं, जब आप सबको मास से डिवाइड कर दो तो एक नया वर्ड जुड़ जाएगा पर यूनिट मास, क्या जुड़ जाएगा, तो हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट रिक्वायर पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फिर मोलर हीट कैपेसिटी, यानी मोल की जगह पर क्या जाएगा मास, सॉरी मास की जगह पर क्या जाएगा मोल, मोल आ गया, N4 क्या होता है मोल, तो हीट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। पहला वाला सिंपल है, हीट रिक्वायर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट ठीक है ना, हीट रिक्वायर पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगला क्या, हीट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन बहुत ईजी कर दिया मैंने, प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है बेटा। ये लॉ आ सकता है, सुन लो, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कह रहा हीट कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट मतलब हीट चेंज नहीं होने वाला, कैसे समझो, मैंने कहा ना सुनो मेरे को ए से जेड पे जाना, ए से जब ए से जेड मैंने करवाया, मेरे पास था ए, मैंने जेड बनाया, क्या बनाया, तो मान लो मेरे को हीट देना पड़ा 40 जूल, कितना देना पड़ा 40 जूल। अब मेरे पास ना डायरेक्टली जाने का रास्ता नहीं है, तो पहले मैंने ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, फिर सी से जेड बनाया, तो अभी भी इनको ऐड करूंगा ना तो आंसर 40 जूल ही आएगा, 40 जूल ही। तो क्या कह रहा है कि अगर हम अलग अलग स्टेप में भी रिएक्शन करते हैं ना तो नेट हीट हमेशा कांस्टेंट रहता है, नेट हीट हमेशा। तो देखो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा है, इफ मोर देन वन स्टेप देन नेट हीट इज गिवन बाय समेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स, समेशन ऑफ हीट ऑफ समेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स, इसी को बोलते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। फटाफट इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों अगर कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, तो ये जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ या बॉर्न हेवर साइकिल फॉर NaCl। देखो NaCl जो है ना, NaCl नमक, वो बनता कब है, जब Na प्लस और Cl माइनस पास में आए, उनमें अट्रैक्शन हो, फिर उनका उनका क्रिस्टल बनता है, क्या बनता है क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल क्या बनता है, या NaCl का लैटिस क्या बनता है, लैटिस। तो क्वेश्चन आता है कि NaCl का जब वो बनेगा तो हीट रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं हम लैटिस इनथैल्पी, क्या बोलते हैं, लैटिस बना तो एनर्जी निकला, उसको बोलते हैं लैटिस इनथैल्पी। वो कैसे फाइंड करोगे, तो वो फाइंड करते हैं हम बोर्न हेवर साइकिल की हेल्प से, किसकी हेल्प से, बोर्न हेवर साइकिल। अब देखो क्वेश्चन ऐसा सकता है, हाउ विल यू कैलकुलेट लैटिस इनथैल्पी ऑफ NaCl, या बाई बोर्न हेवर साइकिल, या सिंपल कभी दिख जाए ना बोर्न हेवर साइकिल, या कभी दिख जाए लैटिस इनथैल्पी, तो यही करके आना है, कुछ नहीं आता यही कर देना, ठीक है बात समझे इस बात को। अब करते हैं कैसे इसको, तो ये बड़ा भयंकर सा दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन हो गया, ऊपर हमने क्वेश्चन को छिपा दिया, ठीक है, जितना भयंकर ये दिख रहा है उतना भयंकर है नहीं अगर आप पेशेंस रखते हो तो। देखो समझने वाली बात है, देखो ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन छुपा दिया मैंने, मेरा टारगेट क्या है कि नमक से Na, समझना बात को, मुझे बनाना क्या है, मेरे को Na और Cl2 मिला के NaCl बनाना, क्या बनाना है NaCl। तो मेरे पास जो Na होगा, Na होगा वो किस फॉर्म में होगा समझना, मेरे पास जनरली Na होगा सॉलिड, क्या होगा सॉलिड, और क्लोरीन होता है गैस, क्लोरीन क्या होता है, और उससे बनता है NaCl सॉलिड, क्या बनता है NaCl। तो इसके पीछे स्टेप्स क्या होते हैं, देखो अगर आपको NaCl चाहिए तो आपको Na प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए, एक Na प्लस एक Cl माइनस। लेकिन रियल में हमारे पास क्या होता है, Na सॉलिड होता है, ठीक है भाई, लेकिन प्लस में नहीं होता, प्लस में, तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। और Cl2 देखो दो है, किस में है, गैस में है, ये क्या माइनस में है क्या, नहीं, नहीं। तो Cl को माइनस में करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होता है, देखो पहले देखो प्लस माइनस करने के लिए ना, ध्यान रखना प्लस माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी को प्लस करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले ये काम कब किया जाता है, जब किसी चीज़ को आप गैस बना दो, क्या बना दो, मैंने कहा कि सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड में हाथ डालना बहुत मुश्किल है, कुछ भी निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैं अगर उसको गैस बना दूँ, क्या बना दूँ, अब देख मैंने मान ले बर्फ है, बर्फ, बर्फ में हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है, बर्फ को पिघला के फिर उसको वेपर बना दो, क्या बना दो, भाप, अब हाथ डाल कोई दिक्कत ही नहीं,
तो पहले हम सोडियम को सॉलिड को गैस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? yes. फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्या कर देंगे? Positive. वैसे ही क्लोरीन तो पहले से गैस है, तो क्लोरीन को पहले दो है तो उसको एक करेंगे, क्या करेंगे? yes. तोड़ देंगे, एक करेंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के नेगेटिव कर देंगे। फिर Na तो पॉजिटिव बना चुके हैं, Cl नेगेटिव बनाया, दोनों को जोड़ दिया, आगे आंसर। तो कैसे कैसे हो रहा है देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है कि हम हीट देते हैं, डेल्टा एच, क्या देते हैं? तो पहले स्टेप में हम सोडियम को सॉलिड से गैस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? गैस बना दिया। वैसे पहले स्टेप, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोरीन दो है ना, तो Cl2 है, क्या है? उसको हीट दे के तोड़ते हैं, Cl गैस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फिर अगले स्टेप में क्या किया हमने, देखो अगले स्टेप में हमने सोडियम बना लिया, अब बनाएंगे Na प्लस, क्या बनाएंगे? Na प्लस बनाएंगे, तभी तो क्लोरीन से जुड़ेगा वो। प्लस बनाने के लिए हीट देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन, क्या बात समझ में आ गया? ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है? अब आगे देखो, अब इस क्लोरीन का, क्लोरीन है ये, हमें क्लोरीन माइनस करना है, क्लोरीन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाला हमने, क्या डाला? तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हीट जो भी आएगा वो डेल्टा एच फोर है, डेल्टा एच फोर है। अब देखो Na प्लस बन गया, Na Cl माइनस बन गया, अब होगा क्या, ये आपस में जुड़ेंगे। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी ये Na प्लस है Cl माइनस है आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने से NaCl सॉलिड बन जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ जो डेल्टा एच फाइव है ये कौन सा हीट होगा, वो जुड़ने वाला हीट, लैटिस हीट, कौन सा हीट होगा? अब वो लैटिस बन रहे हैं, क्रिस्टल बन रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस हीट, कौन सा लैटिस हीट? अब देखो तो इक्वेशन क्या बनेगी, हेसेस लॉ ने क्या बोला था, अगर मोर देन एक मोर देन वन स्टेप है तो ऐड कर दो। तो डेल्टा एच वन जो था हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सॉलिड को हमने गैस बनाया, हीट ऑफ सब्लिमेशन। स्टेप टू जाओ, स्टेप टू में हमने तोड़ा, दो क्लोरीन को एक क्लोरीन में तोड़ा, हीट ऑफ डिसोसिएशन। फिर था क्या, देखो यहाँ पर वन बाई टू है तो वन बाई टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगला बार क्या है, अगले स्टेप में मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला था सोडियम से, स्टेप थ्री में इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव किया था तो आयनाइजेशन एनर्जी। अगली बार में इस वाले में स्टेप फोर में माइनस किया था इलेक्ट्रॉन डाल के, तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थेल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन। और पांचवें स्टेप में क्या हुआ था, दोनों आपस में जुड़े थे, क्रिस्टल लैटिस बने थे तो लैटिस इन थेल्पी, लैटिस। और जब सभी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl। तो इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। और आपसे क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या आता है, ये वाला, कौन सा आता है, ये वाला। तो ये कैसे निकालोगे, इसको पकड़ो, बाकी इन चारों को उधर माइनस कर दो, चारों को उधर माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। मेरे प्यारे बच्चों हम एंड पर है, बिल्कुल पाँच मिनट में सुनो, एंट्रोपी, भाई एंट्रोपी जब भी एग्जाम में लिखना है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, रैंडमनेस मतलब उथल पुथल, क्या इसे स्कूल की छुट्टी में देखा तुमने रैंडमनेस, स्कूल की छुट्टी में जो रैंडमनेस होता है वो रैंडमनेस तुम्हारी खुशियों को बताता है, भाई कितने खुश है बंदे। तो बेटा जब भी रैंडमनेस आता है ना, तो नेचर में क्या आता है, नेचर में खुशियाँ, क्या मतलब हैप्पी है बंदा, तो देखो हैप्पी मतलब नेचुरल तरीका है, नेचुरल प्रोसेस है वो। तो देखो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस को बोलते हैं हम एंट्रोपी, क्या बोलते हैं, सिंबल होता है इसका एस, क्या होता है, मोर रैंडमनेस, रैंडमनेस मोर एंट्रोपी। अगर मोर एंट्रोपी हुआ तो फेवर करेगा स्पॉन्टेनिटी को, यानी नेचुरल प्रोसेस को फेवर करेगा, ठीक है। तुम्हारा शोर मचाना, कूदना खेलना बच्चे का, ये नेचुरल है, कैसा है, रैंडमनेस उसका फैलाना नेचुरल है, क्या है, नेचुरल। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, एंट्रोपी समझ गए ना, अब हमें पढ़ना है चेंज इन एंट्रोपी, क्लास इलेवंथ में क्या पढ़ना है हमें, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या बताता है, पहली बात देखो, चेंज इन एंट्रोपी कभी भी जीरो हो तो हम बोलते हैं भाई इक्विलिब्रियम है, क्या है, इक्विलिब्रियम। भाई जीरो है एंट्रोपी, रैंडमनेस बिल्कुल जीरो, तो शांत। एंट्रोपी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, भाई खूब खेल कूद कर रहा है, खूब उछल रहा है, एंट्रोपी यानी रैंडमनेस ना। अब एंट्रोपी नेगेटिव आ गया, रैंडमनेस नेगेटिव आ गई, बंदा मर गया, मर गया ऐसा मान लो, ठीक है ना। चलो जब भी एंट्रोपी नेगेटिव आए तो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होता है वो, ठीक है ना। ऐसे हम स्टोरी वैसे मजाक मजाक के बोल दिया, ठीक है, ध्यान रखना, पर ये याद रखना एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा सुनो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कितना हीट हमने उसको दिया अपॉन टेम्परेचर, वो एंट्रोपी चेंज को बताएगा, ठीक है। दूसरा क्या, सराउंडिंग के लिए क्या उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हीट गिवन रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिली, क्या है ये, रिवर्सिबिली, रिवर्स कंडीशन में जो हीट दे सकते हैं हम, उसको टेम्परेचर से डिवाइड करोगे तो कहलाएगा वो एंट्रोपी चेंज। हीट को टेम्परेचर से डिवाइड करना एंट्रोपी, हीट को टेम्परेचर से एंट्रोपी, सिस्टम सराउंडिंग के लिए माइनस, सिस्टम के लिए प्लस, क्या बात समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक है गिब्स एनर्जी, को खत्म करते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो गिब्स एनर्जी क्या है, तो गिब्स एनर्जी को बोलते हैं हम डेल्टा जी, क्या बोलते हैं, जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट। देखो सुनो मेरी बात को, ये क्या है, डेल्टा जी होता है चेंज इन एनर्जी, क्या होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। यह चेंज इन गिब्स एनर्जी,
गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, गिब्स एनर्जी। ध्यान दो बेटा, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आएगा। इसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही पढ़ के एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये टी होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा वही पुट करना है, ठीक है। और यह है चेंज इन एंट्रोपी। क्या है ये? चेंज इन एंट्रोपी। क्वेश्चन आएगा तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आप सीख चुके हो, डेल्टा एच का फॉर्मूला भी सीख चुके हो, ये वाला डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच भी निकालना आता है आपको, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला भी पीछे बताया मैंने, ठीक है, और टेम्परेचर आपको बताइए। इस प्रकार से आप गिब्स, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो एग्जाम में आता ही आता है पक्का, ठीक है, वो लिखता हूँ फिर हम आगे बात करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये कोई मैं जादू नहीं कर रहा हूँ, मैथ का काला जादू नहीं है ये, काला जादू सुनो। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, पक्का बोल रहा हूँ मैं। तुमने दिया ही क्या एग्जाम, छोड़ो, ध्यान दो, सुनो मेरी बात सुनो। सर एक मिनट में छोड़ रहा हूँ, खत्म, ठीक, सुनो मेरी बात सुनो बेटा। अरे यार मैं, अच्छा कैमरा ऑन है क्या? सुनो कहानी समझो, देखो यहाँ पर डेल्टा एच लिखा है, यहाँ डेल्टा एच लिखा है, डेल्टा जी लिखा है, ध्यान रखना। छोटा सा चीज़ याद कर लो, अगर डेल्टा जी कभी भी नेगेटिव आए, क्या है? तो होता है स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? अगर डेल्टा जी जीरो से बड़ा आए पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी जीरो आ जाए तो इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आया? नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आने पर नेचुरल होगा, पॉजिटिव आने पर नेचुरल नहीं होगा, और जीरो आने पर इक्विलिब्रियम, जीरो आने पर। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, बोलता है क्वेश्चन ऐसे छह टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस, तो बताओ। तो देखो डेल्टा जी को नेगेटिव लिखो, नेगेटिव लिख, डेल्टा एच को नेगेटिव लिख दिया, और डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये संख्या हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है नहीं, तो डेल्टा जी हमेशा क्या आया? नेगेटिव आया ना, और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आने पर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, जब भी ऐसा केस दे क्वेश्चन में तो स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला डेल्टा एच नेगेटिव है और ये पूरा संख्या पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या देंगे? नेगेटिव। तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? जो बुद्धि लगा पा रहे अच्छी बात है, जो बुद्धि नहीं लगा पा रहे इस चार्ट को कहीं भी याद करके जाओ, कहीं भी याद करके जाओ बस। क्या हुआ? कहीं भी याद करके जाना है बात के, तो ठीक है। सुनो अगला देखो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, सुनो अब देखो, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी तो इसको नेगेटिव कर दिया, अब कह रहा डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया? तो डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा बताओ? डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा? ये देखो डेल्टा जी का आंसर क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी आंसर आ सकता है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है आंसर। नेगेटिव कब आएगा? जब टेम्परेचर कम रहे, अगर ये संख्या बड़ी हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कम टेम्परेचर पर नेगेटिव रहेगा आंसर। जब ये संख्या छोटी होगी तो कम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी और आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया? बात समझ पा रहे हो? तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। अब मान लो मेरे पास रैंडम क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला चलो अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, पहले सुनो, लास्ट में भागेंगे नहीं। क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जी ऐसा है ना, डेल्टा जी नेगेटिव है, सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव है, और कह रहे हैं कि टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है, या टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला और बोल दिया जो डेल्टा एस है, अरे रुक जाओ भाई, जो डेल्टा एस है, चुप हो जाओ, वो डेल्टा एस जो है ना वो पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी के बारे में बताना है कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? मैं बोलूँगा देखो भाई, डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उसने बोला डेल्टा एच नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव पुट कर दिया, नेगेटिव पुट कर दिया। अब ये कह रहा है डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये मैंने पॉजिटिव ही रहने दिया। अब बताओ क्या हमेशा ये आंसर नेगेटिव ही आएगा? हमेशा आंसर क्या आएगा? तो डेल्टा जी हो गया नेगेटिव, क्या हो गया? तो स्पॉन्टेनियस। अगर ऐसा क्वेश्चन घूम के आए, देख लो, ध्यान दो प्लीज, बोले कि डेल्टा एच जो है ना पॉजिटिव है, डेल्टा एच, और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी के बारे में बताओ। तो मैं पुट करूंगा फॉर्मूला में, ये तो पॉजिटिव है, माइनस में टी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव,
तो देखो आंसर क्या आ गया, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर, तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा ये वाला चार्ट प्लीज, ये वाला चार्ट लेना अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से कर लोगे। अब लास्ट देखो, लास्ट इक्विलिब्रियम चैप्टर में डेल्टा जी का ये रिलेशन है, इस पर क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर आएगा भी तो इसको बोलते हैं आर 8.314, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इनके बीच में रिलेशन ये होता है, क्वेश्चन में कभी भी टेम्परेचर दिया हो, आर दिया हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो और पूछे आपसे कि बताओ गिब्स एनर्जी चेंज या गिब्स एनर्जी बताओ, तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, लॉग की जगह देखो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, पुट कर दोगे, 3 मार्क का है, 2.5 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मार्क का है तो कुछ तो मिलेगा, तो के की जगह के पुट कर देंगे, आर की जगह आर, टी की जगह टी। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हो गया। थ्योरी में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना कहीं से भी, क्या बोला मैंने, थ्योरी में इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर लेना प्लीज़।